हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर हम लोग ने क्या देखा, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल, इसके बिफोर स्फेरिकल, इसके बिफोर क्या था, दो कंसेंट्रिक सेल माने थे जिसका रेडियस ए और बी लिए थे। किसी किसी बुक में रेडियस आर वन और आर। ठीक है, फॉर्मूला आया था आपका सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन बी माइनस। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझिए। पहले तो यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल स्फेरिकल लिया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिया। बात समझ में आ रहा? इसके बिफोर वाले में हमने सिलिंड्रिकल न लेकर स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल लिया था। स्फेरिकल कंसेंट्रिक, यहाँ पर सिलिंड्रिकल कंसेंट्रिक कैपेसिटर। इतनी बात समझ में आया? अब आप ध्यान दें, अगर इस पर प्लस चार्ज हो, इस पर कैसा चार्ज हो, प्लस। इसके बिफोर वाले में इनर स्फेयर पर हमने चार्ज कैसा लिया था, और आउटर स्फेयर पर चार्ज वेरी। यहाँ भी चार्ज क्या है, इधर प्लस। जब इसको प्लस चार्ज हमने दिया, ठीक, और इसको हम लोग दे दें नेगेटिव चार्ज, कैसा दे दें, अब एक कैपेसिटर जैसा वर्क करेगा। इस तरह का कैपेसिटर आप देखे हैं, हर एक पर्सन के घर में फैन में लगा है, मोटर में लगा है। ठीक है, जो क्या करता है, यह ऐसा एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, चार्ज को क्या करता है। तो यह डिफरेंट डिफरेंट शेप का कैपेसिटर आपको देखने को नज़र आया। सबसे पहले आप स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी बाउंडेड न होने के कारण सक्सेसफुल न रहा, क्योंकि उसके अंदर जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, और या यहाँ पर आपका एक स्फेयर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इस पर अगर प्लस चार्ज है तो इंटेंसिटी किधर जाएगी, आउटसाइड जाएगी। अगर आपने प्लस माइनस दोनों बनाया था तो इधर इंटेंसिटी, यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट किया था ना, तो इस प्लस के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, बोलो ना, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटेंसिटी बाउंडेड नहीं है, इंटेंसिटी बाउंडेड नहीं है, जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, क्या होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आपका बाउंडेड है। तो कैपेसिटर क्या है, ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। अब कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है, तो बैटरी जो है कि एट अ कांस्टेंट रेट से अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराती है, कांस्टेंट रेट से अपनी एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जबकि यह कांस्टेंट एनर्जी से ना प्रोवाइड करके आवश्यकता पड़ने पर यह कंडेंसर का काम करता है, कंडक्टर का काम करता है, यानी चलाने का काम करता है, तो आवश्यकता पड़ने पर अपनी सारी एनर्जी क्या कर देता है, दे देता है। बात समझ में, यही डिफरेंट है कैपेसिटर और एक बैटरी के वोल्टेज में और कैपेसिटर के वोल्टेज में। आगे देखा जाए, ज़्यादा इसका बड़ा डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा सा समझें आप। यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगी और निगेटिव की तरफ टर्मिनेट होगी। इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पर एक हम इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, दिस इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज गॉसियन सरफेस, आर नोन एज गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉसियन सरफेस या किसी भी सरफेस पर हम बात करते हैं अगर एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर हर्षित ऑलवेज क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इस सरफेस पर अगर बात किया जाए, प्यारे बच्चों समझो जरा ध्यान से कंसेप्ट को, जो लेक्चर जो आप सुन रहे हैं ना, ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करता है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल बोले तो क्या आप एरिया वेक्टर इधर बोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल लिया जाए, स्मॉल एरिया लिया जाए तो डी आर मान सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इस पॉइंट पी पर एरिया वेक्टर आउटसाइड हुआ, दिखता है, झलकता है कि सिलेंडर के बाहर दिख रहा है, बोलो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिलेंडर के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगा कि नहीं,
दोनों के बिटवीन एंगल बोलो बेटा 180, यानी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बिटवीन आपका एंगल कितना मिला तो 180। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक सेटिस्फाई है आप कि किसी का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है? बोलो लाइबा, क्या बात है? सब बच्चे नहा कर नहीं आए क्या आपके बगल वाले? बोलो मास नहीं लाई हो? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कि कहीं कुछ खा कर नहीं ना बड़का के छटका? चलो यहाँ पर देखो आगे बढ़ा जाए, 180 डिग्री एंगल कितना बन रहा है? अब एक डिफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपा, क्यू इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े आप सी इन टू भी ना, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? होगा ना क्यू अपन भी होगा। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन या अकॉर्डिंग टू गॉसला, अकॉर्डिंग टू एक हमने इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए उस वायर के चारों तरफ हमने गॉसियन सरफेस माना था, बोलो और उस वायर पर हमने चार्ज कैसा दिया था? लीनियर चार्ज दिया था। कैसा दिया था? जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? और थोड़ा स्लो बोलो तो आगे ही बैठे हो पड़ जाएगा, एक अपनी एनर्जी अभी पूरा दे दूंगा, उगल दूंगा। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसला, अकॉर्डिंग टू गॉसला किसके कारण? एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण, लीनियर चार्ज। तो यहाँ पर देखो लेमडा को आप बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हो कि नहीं? किधर फेंक रहे हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट होता है, चार्ज पर यूनिट लेन होता है ना। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शांत रहें, पढ़ाने दीजिए, कोर्स बहुत दूर है। अब मैं ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू लेमडा अपान बोलो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला गॉसला में हमने प्रूव कराया था लीनियर चार्ज के कारण, किसके कारण? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हुआ इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद करो दिन जो दिन बीत चुके हैं, ठीक है? ये किसके लिए है बेटा? लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज। इतना बात समझ में आया? आप समझिए, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, उसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? आदित्य मौर्य। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या कहता है? ना, हाँ क्या नाम है? हाँ बोलो अंशिता। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स या डी आर, बोलो यही ना? बैठ जाइए बैठ जाइए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन होता है ना, तो डी वी इज इक्वल टू बताओ माइनस ई इंटू डी आर लिख सकते हो? डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू, बात समझ में आया? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने लाया कहाँ से? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू। लेकिन ये डी आर, ये क्या है बोलो ना? डी आर है। हम चलना चाहते हैं यहाँ से, कहाँ से चलना चाहते हैं? यहाँ से यहाँ तक। तो जहाँ से चलेंगे वो लोअर लिमिट, जहाँ पहुँचेंगे वो, ये तो स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल वोल्टेज ना है? अरे बोलो ना। तो हमको ये स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल वोल्टेज लिया, बोलो अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमको चाहिए इसके सेंटर से कहाँ तक? आउटर तक, सेंटर से। बात समझ में आया? तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, क्या?
क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे आप डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जहां से चलेंगे वो लोअर लिमिट, जहां पहुंचेंगे वो ई इंटू क्या हो जाएगा, लेकिन इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, बोलो ना। अच्छा पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? तो इसमें कास की साइन कास, तो यहाँ पर कास थीटा लिख सकते हो ना, जब ये वेक्टर हटाओगे तो ठीक है। तो थीटा दैट इज एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इंटेंसिटी एंड इज इक्वल टू बोलो बच्चों 180 डिग्री हुआ, आ कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री इक्वल टू माइनस। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू बोलो बी होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा। अब देखो माइनस इंटीग्रेशन ए और यहाँ पर क्या लगा दिया बी, आ ई इंटू डी आर कास 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर होगा कि नहीं होगा, फिर से समझ। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा यहाँ 100, तक यहाँ पर वैल्यू लिखो ई डी आर कास 180 डिग्री लिखोगे ना, और सिंस कास 180 डिग्री इक्वल टू माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा कि नहीं होगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। अब क्या हो गया इन टू डी आर इन टू, अब इधर समझो तो देयर फोर वी इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस था माइनस पहले था, अब क्या हो गया प्लस। अब ई की वैल्यू देखो मेरे प्यारे बच्चों, ई की वैल्यू क्या है लेमडा अपान टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट इन टू इन टू क्या है डी आर। अब समझिए क्या ये चेंज होगा, आप कहीं चले जाएंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगा। क्या ये तकिया जो हम लेकर आते हैं लगाते हैं चरपाई के पास, यहाँ तो चरपाई नहीं है टू ए पाई है, यहाँ चरपाई नहीं है क्या है टू ए पाई है, तो इस तकिया के पास टू पाई रखो चाहे चार पाई रखो चाहे एट पाई रखो, इसकी भी वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है 8.85 फोर इंटू पर माइनस 12 आप पाई 3 या 22/7 होगा और टू भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसका मतलब इतना वैल्यू क्या है इतना वैल्यू क्या है तो कांस्टेंट टर्म को क्या कर लो वेरी गुड। तो लेमडा अपन टू पाई एप्सिलॉन लिखोगे कि नहीं लिखोगे आंसर तो होगा ना। अब इंटीग्रेशन लिखोगे ए ला आ ऊपर ब, यानी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट जहाँ से चलेंगे वो लोअर आ जहाँ पहुँचेंगे वो, समझ में बात आ रहा है? कहें कि कुरे हुए हैं ठंडी लग रही है, हाँ तो फाइन ऑफ कर दो। इधर देखो अब क्या मिला 1/r इंटू डी आर। अब सना बेटा स्टैंड अप सिंस इंटीग्रेशन बट बता बेटा सना बट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r इंटू डी आर इज इक्वल टू लॉग बेस इंटू लिखोगे ना, अरे बोलो ये फार्मूला है याद कर लो, ये क्या है फार्मूला है, ऐसा होता है 11th में मैं बताया था सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, नहीं आता है तो आप कैलकुलस जाकर पढ़ें सर्च करें आप ठीक है कैलकुलस बाय गोयल, और वहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखें। आई बात समझ में आपके नीट में अदर एग्जाम में IIT वगैरह में सब में यूज है, आगे बढ़ा जाए बोलो। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे लॉग बेस इनटू आर, तो ये हो जाएगा लेमडा अपान टू पाई एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा ना जिया, कल भी सो रही थी आज भी सो रही हो हाँ, तो जब इधर तो ऐसा क्यों हो रहा है आँख नीचे गिर रहा है पलखे नीचे गिर रही हैं, यहाँ देखो लेमडा अपान टू एप्सिलॉन ना। अब क्या लिखोगे बोलो बक्सा लगाओगे, चलो लिखोगे लॉग बेस ई इंटू आर, या तो यहाँ लगा लो या तो पूरा लगा लो, चलो ठीक यहाँ ए हो गया यहाँ क्या हो गया। अब कहो आओ सनम माइनस यानी अपर लिमिट माइनस, वाह कितना मजा है फिजिक्स में, लेमडा अपन टू पाई एप्सिलॉन ना। अब लिखोगे लॉग इसके जगह पर क्या लिखोगे बी लॉग बी माइनस लॉग
ए, इसी को दूसरे टर्म में कैसे लिख सकते हो? देखो यहाँ, यहाँ पर ओ आर भी इज इक्वल टू लेमडा अपन टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट लॉग बेस ई बी अपन ए, बी अपन क्या लिखोगे ए, ये सिलिंडर कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लेमडा अपन टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट लेमडा अपन टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट लॉग बी अपन ए या लॉग बी माइनस लॉग ए। बात समझ रहे हो ना? बोलो हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, चित्र बना लेंगे, समझ रहे हो ना? चित्र बना लेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, एक इमेजिनरी लाइन बनेंगे, उस इमेजिनरी लाइन पर एक पॉइंट पी मान लेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि इस पॉइंट पी पर एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बिटवीन एंगल 180 डिग्री, आकाश 180 डिग्री इक्वल टू माइनस की प्लस, आई सी क्यू इज इक्वल टू सी इन टू बी होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपन क्या होता है बी। तो चूंकि ये हमको वोल्टेज मिला है, क्या मिला है हमको, तो सी चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, तो अब इस भी की वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे, पुट करोगे, यानी सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपन भी। अब ये भी की वैल्यू क्या करोगे, पुट करो, तो यहाँ पर लिखोगे क्यू और भी की वैल्यू क्या है बताइए, लेमडा लॉग बेस ई बी अपान ए, आई टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो गया टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट। दूसरी बात समझे, दूसरा बात समझे आप, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या है, क्यू अपान एल है, लेमडा की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखा था ना क्यू अपान एल, बोलो तो लेमडा की वैल्यू क्यू अपान एल है, तो यहाँ रखेंगे आप क्या, क्यू अपान एल, ये क्यू से क्यू क्या आ जाएगा, तो आपके पास फार्मूला मिल जाएगा टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट इंटू एल अपान, बोलो लॉग बेस ई इंटू बी अपान ए, समझ गए, तो ये फार्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, किसी किसी बुक में इस्तेमाल एल लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, C इज इक्वल टू क्या करोगे, C इज इक्वल टू टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट इंटू एल अपान लॉग बेस ई बी अपान ए, या इसी को लिख सकते हो टू पाई एप्सिलॉन आई नॉट स्मॉल एल, या कैपिटल एल के जगह पर क्या मान सकते हो, स्मॉल एल ना, अपान इसी को लिख सकते हो लॉग बेस ई बी माइनस लॉग बेस ई ए, समझ में आया, तो यही कैपेसिटेंस आप और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला। देख लो बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इट्स ओके।